सबको जय मसीह की। मैं आज बहुत खुश हूँ आप लोग के सामने आके कुछ एक्साइटिंग चीज़ आप लोग के सामने बताना चाहती हूँ। और आप लोग को शायद 2 साल से जो लोग आ रहे हैं ये प्रोग्राम में, आप लोग को पता है ये प्रोग्राम में क्या क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं अपने तरफ से आप लोग को बताना चाहती हूँ कि ये प्रोग्राम जब आप आएंगे आप देखेंगे कि किस तरह से एक एक जन आके परमेश्वर का आराधना कर रहे, सेलिब्रेट करे, उत्सव मना रहे। और हम लोग का जीवन में बहुत सारे ऐसे टेंशन में जाते हैं, कुछ ब्रोकन स्पिरिट लेके चलते हैं, कभी कभी हम लोग इतना टूटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग बाहर से दिखाते हैं कि कितना खुश है। लेकिन आपके लिए मौका है जाके वहाँ पर परमेश्वर का उपस्थिति में वहाँ सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना, परमेश्वर के सामने रोना, परमेश्वर को प्यार करना, परमेश्वर को गले लगाना, ये सब बहुत सुंदर सा एक्सपीरियंस लेके आप जाएंगे। और 1 तारीख को हम लोग 3 से लेके हम लोग वर्शिप में, आराधना में अपने आप को पाएंगे। और आप तैयार करके जाइए अपना मन को, अपना आत्मा को, अपना शरीर को भी, क्योंकि वहाँ पर डांस होगा, वहाँ पर कुछ ऐसा कोरियोग्राफी होगा शायद आपका आँख कभी पहले देखा नहीं है, और आप बोलेंगे वाओ क्या सुंदर चीज़ हमको देखने को मिला। वहाँ पर आप अगर टैलेंटेड है तो आपका दिल में एक इच्छा भी आएगा कि क्यों ना मैं नेक्स्ट टाइम मैं भी वो कर सकूँ परमेश्वर के लिए। और उसके साथ साथ कुछ बहुत अच्छा सा प्रीचिंग भी होने वाला है, जहाँ पर हम लोग का लाइफ, जीवन कहीं पर ट्रांसफर होगा, कहीं पर हम लोग अगर टूटे हुए हैं तो वहाँ पर परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपसे बोलेंगे, परमेश्वर बोलेंगे कि बच्चा मैं तुम्हारे साथ हूँ, डोंट वरी। और आपका जो शायद सिचुएशन आपका कुछ चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन आप चेंज होके जाएंगे, जो सबसे बेहतरीन चीज़ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे ड्रामा जो आपका जीवन में कहीं पर इम्पैक्ट करेगा, और वो सारे चीज़ को एक साथ एक कम्पैक्ट हिसाब से एक पूरी तरह से पैकेज आप लोग को मिलेगा। मैं तो आ रही हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को शायद इतना भीड़ में आपको नज़र ना आए, लेकिन आप वहाँ रहेंगे, आपका लाइफ कहीं पर बेहतर होगा, चेंज होगा। और आप जब वापस जाएंगे आपका मुंह में हंसी रहेगा डबल, और आप परमेश्वर का आनंद करते हुए, धन्यवाद देते हुए एक बहुत सुंदर सा आत्मा को लेकर आप वापस जाएंगे। शायद वो जिंदगी का हर पहलू में नहीं रहेगा, लेकिन कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आप रिफ्रेश हो जाएंगे। तो मैं आ रही हूँ और मैं आशा करती हूँ आप लोग भी आएंगे। जय वैसे।